आ चुके हैं डेरे पे और ये है आज अपनी मेन मूर्ति, ये वानर राज जी। ऐसे जाती है गाइस हनुमान सेना। Hey guys, welcome back to our channel. So guys, I hope कि आप सब ठीक होंगे। So guys, आज है special आपके लिए vlog, special vlog. So guys, आज हम जाएंगे हनुमान सेना के साथ खुद, आज आपको सारा real view मिलेगा। आज के vlog में हम आपको यही दिखाएंगे कि हनुमान सेना खुद कैसे जाते हैं दुर्गियाना मंदिर के अंदर। Guys, live view मिलेगा सारा, तो चलो चलते हैं। So guys, हम आ चुके हैं डेरे पे और ये है आज अपनी मेन मूर्ति, मंदिर भी हमारे साथ है और अब हम आपको मिलाते हैं महंत जी से। ये हमारे लव महंत जी। तो आपको कितने साल हो गए हैं हनुमान सेन? 10 साल हो गया पूरे? ठीक है, इनको 10 साल हो गया और हर बार ये अलग अलग चीजें निकालते हैं। ये साला सर बालाजी की मूर्ति। और कौन से कौन से? ये वानर राज जी और इनके साथी भी हैं अंदर। तो भाई दुर्गियाना मंदिर में सारा मेला इसलिए होता है कि यहाँ पे जो भी कोई भी आता है ना उनकी सुखना पूरी होती है, मतलब जो जिनके घर बेटा नहीं होता वो बेटा मांगने आते हैं दुर्गियाना मंदिर, और उनकी सुखना जब पूरी होती है फिर वो अपने बच्चे को लंगूर बनाते हैं। Thank you.
मंदिर में कितनी मान्यता है। हनुमान सेना एंटर हो सकती है। जो बंदा बड़ी वाली मूर्ति संभाल रहा था उसका हाल देखो क्या हुआ हुआ पसीने से कैसा रहा। इस वाले रास्ते से सारी हनुमान सेना पार्टी बाहर आती है, जाते मंदिर से और आते इधर वाली साइड से। जाने का रास्ता भी मैंने दिखाया और आने वाला भी। ये जो 9 दिन होते हैं ना अमृतसर में सबसे बेस्ट दिन होते हैं रौनक वाले। सो गाइज मत्था टेकने के बाद हम आ गए दुर्गियाना मंदिर से सीधा घर और हनुमान सेना जी जाते हैं जो गाइज उन्हें अपने घर बुलाते हैं। और गाइज जब तक उन्हें कोई अपने घर ना बुलाए वो बिना बुलाए कहीं पे भी नहीं जाते, तो लोग उन्हें अपने घर घर बुलाते हैं और वो फ्री होते हैं फिर रात के 3-4 बजे। गाइज इतना ज़्यादा भारी काम होता है। सो गाइज मैंने आपसे वादा करा था कि मैं 9 दिन 9 नवरात्रे आपके लिए सिर्फ हनुमान सेना के ब्लॉग लेके आऊँगा और मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। तो गाइज चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।